नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। कोरोना के खतरे को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन के दौरान जारी गाइडलाइन में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सहित तमाम धार्मिक स्थलों को बंद करवाया गया है। इसके साथ ही सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन भी बैन है। यहां तक कि शादी विवाह में भी 20 लोगों से ज्यादा लोगों के शामिल होने की मनाही है, लेकिन फिर भी कुछ लोग पुलिस प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर गाइडलाइन का उल्लंघन करके धार्मिक स्थलों में भीड़ जुटा रहे हैं, जिससे कोरोना का खतरा फिर से बढ़ सकता है। दरअसल ऐसा ही एक मामला सामने आया है बिहार से, जहां प्रखंड क्षेत्र के बिहूर में साबिर बाबा के मजार पर शुक्रवार की दोपहर प्रत्येक सप्ताह आयोजन होने वाले मेले में हजारों की संख्या में जुटे लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने जब लाठियां चटकानी शुरू की तो वहां लोग अल्लाह खैर करे कहने लगे। दरअसल गाइडलाइन का पालन कराने को लेकर प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों की ओर से प्रखंड क्षेत्र में लगातार प्रचार प्रसार भी करवाए गए हैं। बावजूद कोरोना संक्रमण के इस दौर में बिहूर में स्थित साबिर बाबा मजार पर शुक्रवार को हजारों की संख्या में भीड़ पहुंची, जहां बजावते मेला का रूप देखा गया। जगह जगह दुकान लगी हुई पाई गई, लोग खरीदारी करते नजर आए। यहां जमकर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई। सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो छोड़िए, कई लोगों के चेहरे पर मास्क तक नहीं था। जब इस बात की भनक पुलिस को लगी तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दूर दराज से आए लोगों को तुरंत स्थल खारी करने, अपने अपने घर जाने का निर्देश दिया, और जिसने आनाकानी की उस पर पुलिस ने लाठियां भी चटकाई। वहीं मजार के बिल्कुल सामने निर्माण किए गए नए भवन में 500 से ज्यादा लोगों को निवास करते हुए पाया गया, जिस पर तुरंत चैनपुर थाना से अतिरिक्त सुरक्षा बल को मंगवा कर लगाए गए सभी दुकानों को हटाते हुए मजार पर पहुंचे लोगों को वहां से भगाया। तो पुलिस ने मस्जिद के कमेटी के सदस्यों को हिदायत दी गई है कि जल्द से जल्द मजार पर आए लोगों को उन्हें उनके घर जाने को कहा जाए। खैर, जिस तरह से मजार पर भीड़ जुटी हुई थी, सोचिए वहां अगर एक व्यक्ति भी कोरोना से संक्रमित होगा तो प्रखंड क्षेत्र में कोरोना का संक्रमण कितनी तेजी से फैल सकता है, इसकी कल्पना भी करनी मुश्किल है। हाल ही में कोरोना की दूसरी लहर तबाही का मंजर दिखा चुकी है, लेकिन कुछ लोग फिर भी बाहर जाने के लिए तैयार नहीं है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।